शाहरुख की फिल्म फैन 15 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, लेकिन अब ऐसे में फिल्म का लीगल मामलों में फंसना फिल्म के लिए वाकई मुश्किलें पैदा कर रहा है। फिल्मों का रीमेक बनने की बात से तो सब वाकिफ होंगे, लेकिन अब तो फिल्म की स्टोरी भी चोरी होने लगी है। दरअसल राइटर डायरेक्टर महेश दोईजोड़े ने अभिनेता शाहरुख खान पे आरोप लगाया है कि शाहरुख ने उनकी रजिस्टर्ड फिल्म अभिनेता की स्टोरी चुरा ली, जो उन्होंने सालों पहले यश चोपड़ा के जिंदा होने के दौरान यश चोपड़ा और शाहरुख खान को कई बार फिल्म की स्टोरी नरेट किया था। हालांकि महेश दोईजोड़े ने अपने पास सबूत होने का भी दावा किया है। शाहरुख खान के फैन तो बेसब्री से फिल्म का वेट कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में फिल्म रिलीज हो पाती है या नहीं, ये तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही पता चलेगा, जिसकी सुनवाई आज मुंबई हाई कोर्ट में होगी।